क्लास खास तो मैं नशा करता था, मतलब गोल्डन खाता था, लेकिन उसके बाद जब मम्मी को पता चला तो एक दिन मम्मी ने मुझे उल्टा लटका दिया और तब से मैं नशा नहीं करता हूँ और दोस्तों भी कहता हूँ कि नशा नहीं करना चाहिए। आप एक क्वेश्चन मेरा, जब फिफ्थ बताए, फिफ्थ का बच्चा तो बहुत छोटा होता है, किसने कहा तुम्हें गोल्डन खाते हैं? नहीं, मेरे दोस्त भी ये चीज करते थे, मतलब खाते थे, तो मुझे भी कहते थे कि थोड़ा थोड़ा इसका सेवन कर लीजिए। तो गुटखा खैनी फिफ्थ में बच्चे करने लग जाते हैं, यानी कि हमें फिफ्थ को भी समझाने की जरूरत है, तो क्या कहना चाहेंगे? मतलब दोस्तों ने क्यों कहा कि नशा क्यों कर ले, मतलब क्यों गुटखा खैनी खा ले, कुछ कारण? वो कहते थे कि इसमें खाने से, मतलब खाना चाहिए इसे, और भी लोग बहुत खाते थे तो साथ में उसे खाना ही पड़ता था, और लोग तो अकेला नहीं इसे खा लेते थे। अब क्या करना चाहेंगे, अब क्या कहना चाहेंगे कोई अगर बच्चा यहाँ नशा करता? मैं अपने भैया बहनों से कहता हूँ कि जो भी नशा करते हैं तो उसे अभी से छोड़ दें, क्योंकि बाद में उसे पछताना ना पड़े, क्योंकि नशे करने वाले लोगों की जो एनर्जी, जो उनकी उम्र, जो 50 साल जी सके, वो 40 साल में वो उनका जो है ध्यान तो हो सकता है, जिससे मैं कहता हूँ कि वो नशा अभी से छोड़ दें। जोरदार तालियां। और विशेष रूप से हमारे छोटे भाई ने अपनी बात को बोला और इस बात को स्वीकारा कि दोस्तों के चक्कर में मैंने भी नशा किया था और सच का सामना किया और ये भी कहा कि मैं अब जीवन में कभी नशा नहीं करता और औरों से भी निवेदन किया। तो मैं चाहता हूं कि आपको भी अपनी टीम के साथ जोड़ा जाए। जोरदार तालियां। थैंक यू।